आज हम भागवत पर चर्चा करते हुए आपके इस शंका को दूर करेंगे कि सुदामा के गरीबी के पीछे चना नहीं बल्कि कुछ और ही कारण था। जी हाँ, आज हम इस रहस्य को आपसे साझा करना जरूरी समझते हैं, ताकि आप भी समाज में फैली इस भ्रांति को दूर कर सकें। सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। हम आपको बता दें कि एक अत्यंत ही गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वो प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं सुबह वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी। ये सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली को देखकर समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं, इसलिए उसे उठा ले गए। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़े जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपनी ओर आता देख चोर चने की पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो उसने श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि मुझ जैसे दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर सुबह आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा जब भूख लगे तो दोनों ये चने खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने जैसे ही चने की पोटली हाथ में ली सारा रहस्य समझ गए। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं ये चने खुद खा लूंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर वो सारे चने खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने खुद दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अद्वितीय त्याग का उदाहरण पेश करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेले, और यही कारण था कि सुदामा गरीब हो गए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।